हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे बेंगू पीसेंट मूवमेंट के बारे में। ध्यान रखना, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बेंगू पीसेंट मूवमेंट, बेंगू किसान आंदोलन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, लकी एजुकेशन की पूरी फैमिली की तरफ से, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन सब की तरफ से, आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करेगा, ठीक है? सो मन लगा के पढ़ते रहिए, सारी मनोकामनाएं आपकी अपने आप पूर्ण हो जाएंगी, ठीक है? कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है? तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेंगू पीस एंड मूवमेंट, बेंगू किसान आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो लक्की एजुकेशन, और यहाँ पर आप सारे हमारे जितने भी नोट्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो मैंने बना रखी है, उसको आप देख सकते हो, पता चल जाएगा कैसे नोट्स डाउनलोड करते हैं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के किसान आंदोलन पीस एंड मूवमेंट। पीस एंड का मतलब होता है किसान, तो किसान आंदोलनों में हमने कई सारे आंदोलन फिनिश भी कर लिए हैं। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान के किसान आंदोलनों में सबसे बड़ा जो आंदोलन चला था वो चला था बिजौलिया पीस एंड मूवमेंट। फिर हमने देखा नीमू चढ़ा पीस एंड मूवमेंट, बरड या बूदी पीस एंड मूवमेंट्स, ये तीनों मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। और ये है फोर्थ वाला बेंगू पीस एंड मूवमेंट, और एक बच जाएगा सीकर वाला। सीकर वाले को नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो सीकर वाला आएगा। इसके बाद राजस्थान के सारे पीस एंड मूवमेंट ऑलमोस्ट हमारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है? तो आज हमारा जो फोकस रहेगा वो बेंगू पर रहेगा। ध्यान रखना, बेंगू और बिजोलिया ये दोनों पास पास में ही है, बेंगू और बिजोलिया पास पास में ही है, और ये दोनों की दोनों आती हैं मेवाड़, मेवाड़ वाले इलाके में, ठीक है? कौन से वाले इलाके में? मेवाड़। और मेवाड़ कौन सा इलाका था? साउथ राजस्थान का जो इलाका है उसको मेवाड़ बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली जो जगह है ये है मेवाड़, जिसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, ये सारे सारे किस्में आते हैं। देखो, मैप आपको आना जरूरी है, जगह आपको पता होना बहुत जरूरी है, तभी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो भीलवाड़ा में हुआ था बिजौलिया किसान आंदोलन, बिजौलिया पीस एंड मूवमेंट, और यहीं बगल में नीचे आप चित्तौड़गढ़ है, और चित्तौड़गढ़ में एक जगह है बेंगू। ध्यान रखना, बेंगू जो जगह है आज की डेट में चित्तौड़गढ़ में है। पहले ये जगह है चित्तौड़गढ़ में नहीं हुआ करती थी, पहले ये हुआ करती थी भीलवाड़ा में। कहाँ पर हुआ करती थी? भीलवाड़ा में हुआ करती थी। कौन सी जगह? चित्तौड़गढ़, सॉरी बेंगू, ठीक है? पहले कहाँ पे थी? बेंगू पहले भीलवाड़ा का पार्ट था, आज की डेट में बेंगू किसका पार्ट है? चित्तौड़गढ़ का। तो ये पूरा जो एरिया है इसको हम बोलते हैं मेवाड़। तो ये मेवाड़ का दूसरा आंदोलन है। मेवाड़ में पहला आंदोलन हुआ था कौन सा? बिजौलिया किसान आंदोलन। और दूसरा कौन सा हुआ है? बेंगू पीसेंट मूवमेंट, ठीक है? हालांकि ये जो आंदोलनों की शुरुआत है, ध्यान रखना, राजस्थान में जो आंदोलनों की शुरुआत हुई किसान आंदोलनों की, तो वो किसान बोल रहा हूँ, पीसेंट को क्या बोल रहा हूँ? किसान। तो राजस्थान में किसान आंदोलनों की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? बिजौलिया किसान आंदोलन से हुई थी। इसी से बाकी सारे सारे मूवमेंट क्या हुए थे? ज्यादातर इंस्पायर हुए थे, ठीक है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से ही इंस्पायर हुआ था बेंगू पीसेंट मूवमेंट, ठीक है? तो मैंने बता ही दिया है बेंगू जो ठिकाना है ये कहां पर आता था? बेंगू ठिकाना आता है आज की डेट में चित्तौड़गढ़ में आता है, और पहले किसका पार्ट हुआ करता था? भीलवाड़ा का पार्ट हुआ करता था। यहां पर कुछ ओवरव्यू लेना है आपको, फिर हम आगे अपने, देखो अभी मैं ओवरव्यू बताऊंगा, कुछ नहीं लिखना, आप समझते जाओ बस आप, है ना? तो बेंगू पीसेंट मूवमेंट, ध्यान रखना, बेंगू जो जगह है जो कि चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पे ज़्यादातर जो किसान थे वो थे धाकड़ कास्ट के किसान, धाकड़ जाति के किसान हुआ करते थे। और बिजोलिया में भी ज़्यादातर किसान धाकड़ जाति के किसान थे। बेंगू मेवाड़ रियासत में आती है चित्तौड़गढ़ में आज की डेट में, और यहाँ पे जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1921 में हुई थी। आंदोलन की जो लीडर थे शुरुआत में, लीडर कौन थे? रामनारायण चौधरी थे, फिर विजय सिंह पथिक लेते हैं, और विजय सिंह पथिक बाद में अरेस्ट हो जाते हैं, तो लास्ट में फिर मूवमेंट को ख़त्म करते हैं माणिक्य लाल वर्मा जी, ठीक है? तो बेंगू एक विलेज है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर समस्या क्या थी? समस्या ये थी कई प्रकार के यहाँ पर टैक्स लगते थे, मोर देन 25 टाइप्स के यहाँ पर टैक्स लगाए जाते थे किसानों पर, बहुत ही ज़्यादा हाई लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, बेगार प्रथा चलती थी, ज़बरदस्ती फ्री में काम करवाया जाता था, पैसे देते नहीं थे किसानों को। और यहाँ का जो ठाकुर हुआ करता था वो हुआ करता था ठाकुर अनूप सिंह। ध्यान रखना, ठाकुर कौन हुआ करता था बेंगू का? बेंगू का ठाकुर अनूप सिंह था। ठाकुर और किसानों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको हम बोलते हैं बोल्शेविक पैक्ट। ध्यान रखना, ये बीच में आएगा भी, बोल्शेविक पैक्ट हुआ था ठाकुर और किसानों के बीच में, समझौता हुआ था जिसमें अनूप सिंह ने किसानों को बहुत सारी रियायतें दी थी, बहुत सारी छूट दी थी, मगर मेवाड़ गवर्नमेंट ने इस समझौते को कैंसिल कर दिया, ठीक है? हालांकि समझौता जो हुआ था मेवाड़ गवर्नमेंट ने उसको क्या नाम दिया था? बोल्शेविक समझौता नाम दिया था, बोल्शेविक पैक्ट नाम दिया था, जिसको बाद में कैंसिल कर दिया जाता है।
और अनूप सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया था। ये सारी कहानी हम धीरे धीरे करके समझेंगे, ठीक है। और एक इंसिडेंट होता है 13 जुलाई 1923 को, 13 जुलाई 1923 को, गोविंदपुरा नाम एक विलेज है, गोविंदपुरा विलेज, यहाँ पर एक इंसिडेंट होता है और यहाँ पर किसान इकट्ठे होते हैं और ट्रेंच के द्वारा यहाँ पर क्या करवा दी जाती है, गोलीबारी करवा दी जाती है, जिसमें रूपा जी और कृपा जी धाकड़ जो दो किसान थे और ये क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो बैंक अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं, ओवरव्यू के बाद अपना बुक का जो है वो देखेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा शुरुआत करते हैं अभी, ठीक है। तो बेंगू किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1925 में हुई थी, सॉरी 1921 में हुई थी, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, छोटी सी इसको सही कर लेना। बेंगू किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1921 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1921 में शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले ध्यान रखना, यहाँ पर पहले एक मीटिंग होती है, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ के किसानों ने डिसाइड किया और एक जगह पर मिले, मीनल विलेज, विलेज का नाम क्या है, मीनाल नाम का एक विलेज था, मीनाल विलेज में ये इकट्ठे होते हैं सारे के सारे किसान। और मीनाल विलेज ये पड़ता है भीलवाड़ा में, मीनाल विलेज में एक जगह थी भैरवकुंड, तो भैरवकुंड में यहाँ पर सारे के सारे किसान इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर क्या करते हैं, एक सभा का आयोजन करते हैं, मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी ये सभी क्या थे, प्रेजेंट थे। और यहाँ पर किसानों ने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार को कोई टैक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर किसानों ने विजय सिंह पथिक को रिक्वेस्ट की थी कि आप इस आंदोलन की क्या करें, लीडरशिप करें। पर आपको मैं बता दूं, क्योंकि बिजौलिया आंदोलन की लीडरशिप ऑलरेडी कौन कर रहे थे, इस समय बिजौलिया आंदोलन को भी लीड कर रहे थे विजय सिंह पथिक, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं कर सकूँगा। मगर जब उन्होंने ज़्यादा जोर दिया तो विजय सिंह पथिक ने रामनारायण चौधरी, जो कि राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे, रामनारायण चौधरी को बोला कि भाई आप इसकी लीडरशिप करो। तो बेंगू किसान आंदोलन की जो लीडरशिप की जाती है, ध्यान रखना, किसके द्वारा की जाती है, लीडरशिप की जाती है रामनारायण चौधरी के द्वारा इसकी लीडरशिप की जाती है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और फार्मर्स ने डिसाइड किया कि अब वो कोई टैक्स वैक्स पे नहीं करेंगे और अब कोई लगान, जो मतलब पहले लगान को बोलते थे टैक्स, ठीक है, तो कोई लगान वगान नहीं देंगे। इसके बाद क्या होगा, वहाँ का जो ठाकुर था, ठाकुर अनूप सिंह, नाराज़ हुआ, उसने कई सारे एक्शंस भी लिए, फाइनली फिर उसको झुकना पड़ा। तो अनूप सिंह और किसानों के बीच में एक समझौता होता है, अनूप सिंह ने किसानों को बहुत सारी जो मतलब कर थे उनसे मतलब छूट कर दी, या मतलब करों में मतलब कमी कर दी, जो कर मतलब टैक्स होते थे उसको, टैक्स को रिड्यूस कर दिया और मतलब किसानों पर मतलब अपनी कृपा बरसाई एक प्रकार से, ऐसे कह सकते हो। जब अनूप सिंह ने ये किया तो इससे फिर वहाँ की जो मेवाड़ सरकार थी, मेवाड़ सरकार को पता चला कि अनूप सिंह ने क्या कर दिया, किसानों के साथ समझौता कर लिया। ये समझौता लगभग 1922 में हुआ था, मीटिंग कब हुई थी, नई पहली मीटिंग 1921 में हुई थी, रामनारायण चौधरी को लीडर बनाया गया था और 1922 में अनूप सिंह ने क्या किया, समझौता किया, जिसमें मतलब किसानों की बहुत सारी मांगें मान ली गई थी। मगर जैसे ही ये सरकार को पता चला कि यार अनूप सिंह ने किसानों की मांग मान ली है, तो सरकार ने सोचा कि अगर यहाँ पर हम रुक गए तो फिर बिजौलिया में जो आंदोलन चल रहा है वहाँ भी मांगे माननी पड़ेंगी और ऐसे करके धीरे धीरे सभी जगह पर सरकार को झुकना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या किया, अनूप सिंह के द्वारा जो एग्रीमेंट साइन किया गया था उसको मतलब कैंसिल कर दिया और इस एग्रीमेंट को एक नाम दिया, वोल्शेविक पैक्ट। वोल्शेविक एक रशियन वर्ड है, कैसा वर्ड है, रशियन वर्ड है, रशिया में रशियन क्रांति हुई थी, ध्यान रखना, रशियन क्रांति हुई थी, कब हुई थी, रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुई थी। तो वहाँ पर दो ग्रुप थे, वोल्शेविक और मेंशेविक, ठीक है, तो वहीं से ये शब्द लिया है बोल्शेविक। तो मतलब सरकार जो थी उन्होंने अनूप सिंह और किसानों के बीच में जो समझौता हुआ था उसको नाम दिया गया था बोल्शेविक पैक्ट या बोल्शेविक एग्रीमेंट, ठीक है, जिसको जो समझौता था उसको क्या कर दिया सरकार ने, कैंसिल कर दिया। तो फिर इसके बाद अनूप सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है और अनूप सिंह जब अरेस्ट हो जाता है तो वहाँ पर कोई ठाकुर नहीं था और ठाकुर का काम क्या होता था, टैक्स कलेक्ट करना और मेवाड़ के महाराणा को मतलब क्या देना, उसको जमा कराना। तो जब कोई ठाकुर नहीं था तो सरकार ने एक सरकार की तरफ से एक ऑफिसर भेजे गए जिसका नाम था अमृत लाल, किसको भेजा गया, अमृत लाल को भेजा गया, जो जो क्या जिसको काम दिया गया कि उनको क्या करना है, टैक्स कलेक्ट करना है। और साथ के साथ में सरकार ने एक कमीशन भी बिठाया, साथ के साथ सरकार ने एक कमीशन बिठाया और उस कमीशन का नाम था ट्रेंच कमीशन। कौन सा कमीशन था, ट्रेंच कमीशन की मतलब क्या की थी सरकार ने, इस्टेब्लिशमेंट किया था ताकि किसानों की समस्याओं को क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। ये सिर्फ दिखावा था, क्या था, दिखावा था कि देखो सरकार ने कमीशन बिठा दिया। मगर कमीशन किसके अंडर में गठन किया गया था इसका, तो इसका गठन किया गया था या इस्टेब्लिशमेंट किया गया था मिस्टर ट्रेंच के लीडरशिप में। मगर इस कमीशन ने रिपोर्ट क्या दी कि यहाँ पर जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो एकदम जायज़ है, जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो सही लगाए जा रहे हैं और इनको कंटिन्यू रहना चाहिए। ये मतलब रिपोर्ट दी किसने, ट्रेंच कमीशन ने। फार्मर्स को कोई मतलब राहत नहीं दी। अब सीधी सीधी बात है, फार्मर्स
विरोध करेंगे इसका कि भाई अगर तुम कमीशन लाए हो तो कुछ तो मतलब रिलीफ दो, कुछ तो सहायता दो। तो किसानों ने इसका क्या किया, विरोध किया। विरोध किया तो एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और उस जगह का नाम है गोविंदपुर। कौन से, गोविंदपुर। तो गोविंदपुर गांव में सारे के सारे किसान इकट्ठे होते हैं, किसके रिपोर्ट के खिलाफ इकट्ठे होते हैं, ट्रेंच कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ इकट्ठे होते हैं। और गोविंदपुर गाँव जो है ये पड़ता है भीलवाड़ा में। कहाँ पर पड़ता है, भीलवाड़ा में। और ये इकट्ठे हुए थे 13 जुलाई 1923 को, 13 जुलाई 1923 को सारे के सारे किसान इकट्ठे होते हैं। क्यों इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उन्होंने विरोध कर रहे थे। किसका विरोध कर रहे थे, ट्रेंच कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसका विरोध कर रहे थे। बाद में वहां पर ट्रेंच पहुंच जाते हैं, ट्रेंच पहुंच के किसानों को घेर लेते हैं और उनसे बोलते हैं कि भाई हमारी जो मांगे हैं या सॉरी हमारी जो कमीशन की रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट कर दो, वरना तुम्हें मतलब बहुत बुरा परिणाम झेलना पड़ेगा। मगर किसानों ने मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारी एक भी मांग नहीं मानेंगे। तो भैया ट्रेंच को आ गया गुस्सा और ट्रेंच ने ऑर्डर दे दिए फायरिंग के। वहाँ पर किसानों पर फायरिंग की जाती है ट्रेंच के द्वारा, ट्रेंच की आर्मी के द्वारा, ठीक है। तो फिर इस फायरिंग के दौरान दो किसान, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़, इस गोली कांड के दौरान इनकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, ध्यान रखना। तो रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़, ध्यान रखना, राजस्थान में जो किसान आंदोलन चल रहे थे, किसान आंदोलनों में, पीसेंट मूवमेंट में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति बन जाते हैं। कौन, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसान आंदोलनों में शहीद होने वाले दो व्यक्ति कौन कौन से थे। स्पेशली बेंगू पीसेंट मूवमेंट में शहीद होने वाले दो व्यक्ति कौन थे, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं, किसके द्वारा, सरकार के मतलब सेना के द्वारा। अब जैसे ही ये इंसिडेंट होता है तो विजय सिंह पथिक खुद आते हैं और मतलब मूवमेंट को अपने हाथ में ले लेते हैं। और उन्होंने क्या किया, रामनारायण चौधरी जो लीडर थे उनको हटा दिया और स्वयं मतलब क्या करते हैं, इस मूवमेंट की लीडरशिप करते हैं। मगर जैसे ही अंग्रेज़ों को पता चलता है कि विजय सिंह पथिक इसमें आ गए, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, विजय सिंह पथिक को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। क्या कर लिया, बेंगू में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और 5 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 5 ईयर्स के लिए कहाँ भेज दिया जाता है, 5 ईयर्स के लिए इनको जेल में भेज दिया जाएगा। और 1923 से 1927 के बीच में कहाँ पर रहते हैं, जेल में रहते हैं। कौन जेल में रहते हैं, विजय सिंह पथिक। तो 10 सितंबर 1923 से 27 अप्रैल 1927 के बीच में विजय सिंह पथिक को जेल में भेज दिया जाता है। जब ये जेल में चले जाते हैं तो बचा कौन, अब लीडरशिप कौन करे, तो अब आते हैं माणिक्य लाल वर्मा। कौन आएंगे, माणिक्य लाल वर्मा अब लीडरशिप करेंगे बेंगू किसान आंदोलन की। और फिर इनका सरकार के साथ क्या होता है, एग्रीमेंट होता है और सरकार के द्वारा ज़्यादातर जो मांगे थी मांगों को 1925 में मान लिया जाता है। और यहाँ पर जो बेगार प्रथा चलती थी, बेगार सिस्टम चलता था, उसको भी क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया था। इस प्रकार बेंगू किसान आंदोलन समाप्त होता है। अब हम देखेंगे हमारी बुक में क्या दे रखा है। ये तो था हमारा ओवरव्यू, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बुक वाला समझ लो क्या है, बेंगू पीसेंट मूवमेंट, तो उसको हम देख लेते हैं बुक में जो दे रखा है। अब तो 5 मिनट लगेंगे आपको, सारी कहानी आपको दिमाग में आई गई होगी, ठीक है। तो बेंगू पीसेंट मूवमेंट, ये मूवमेंट इंस्पायर हुआ था, किससे इंस्पायर हुआ था, बिजौलिया किसान आंदोलन से इंस्पायर हुआ था। और बिजौलिया किसान आंदोलन को भी लीड कर रहे थे विजय सिंह पथिक, हालांकि स्टार्टिंग में कौन लीड कर रहे थे, साधु सीताराम जी। और ये आंदोलन भी किसके खिलाफ़ हुआ था, क्योंकि यहाँ के किसान भी बहुत ज़्यादा परेशान थे हाई लैंड रेवेन्यू सिस्टम से, बेगार से, और किसान पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे वहाँ के मतलब लैंडलॉर्ड्स के द्वारा और वहाँ के रेवेन्यू ऑफिसर्स के द्वारा। इससे किसान क्या थे, परेशान थे। और बगल में ही बिजौलिया में आंदोलन हो चुका था, तो फिर यहाँ के किसानों ने भी क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। यहाँ के किसान भी ज़्यादातर धाकड़ जाति के किसान थे। कौन से किसान थे, धाकड़ जाति के किसान थे। अब ये लोग क्या करते हैं, 1921 में यहाँ पर मीनाल विलेज में, कौन से विलेज में, मीनाल विलेज में भैरवकुंड नाम की जगह पर सारे के सारे किसान इकट्ठे होते हैं। किस लिए इकट्ठे होते हैं, ताकि मतलब विरोध कर सकें, किसका विरोध कर सकें, यहाँ पर जो किसानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है उसके खिलाफ विरोध कर सकें। तो ये भैरवकुंड मीनाल में क्या हो, मीनाल गाँव और जगह कौन सी है, भैरवकुंड में इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पर मीटिंग में विजय सिंह पथिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप क्या करो, हमारे आंदोलन की लीडरशिप करो। मगर विजय सिंह पथिक ऑलरेडी बिजौली आंदोलन में बिजी थे, इसलिए विजय सिंह पथिक ने बोल दिया कि भाई दो दो आंदोलन में नहीं चला सकता, सरकार ऑलरेडी मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो विजय सिंह पथिक ये जिम्मेदारी किसको दे देते हैं, रामनारायण चौधरी को दे देते हैं। रामनारायण चौधरी को बेंगू किसान आंदोलन या बेंगू पीसेंट मूवमेंट का लीडर अपॉइंट किया जाता है। और रामनारायण चौधरी राजस्थान सेवा संघ के क्या थे, एक मंत्री थे या एक प्रकार के मेंबर कह सकते हो। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना ध्यान रखना विजय सिंह पथिक ने की थी वर्धा में, वर्धा महाराष्ट्र में की थी, ठीक है।
2 साल के स्ट्रगल के बाद 1921 में मूवमेंट स्टार्ट होता है, और 2 साल के संघर्ष के बाद ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों की जो डिमांड्स थी उनको एक्सेप्ट कर लिया और किसानों के साथ एक संधि की, अलायंस की, अलायंस मतलब एक संधि की, मगर मेवाड़ गवर्नमेंट ने इस संधि को कैंसिल कर दिया और इस डिसीजन को नाम दिया वोल्सेविक डिसीजन। क्या नाम दिया? वोल्सेविक डिसीजन नाम दिया। और ठाकुर अनूप सिंह को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद क्या होगा? सरकार ने एक कमीशन बिठाया ताकि मतलब जांच कर सकें कि वहाँ समस्याओं की, मतलब किसानों की समस्याओं की जांच करने के लिए वहाँ की सरकार ने एक कमीशन बैठाया, और कमीशन का नाम था ट्रेंच कमीशन। कौन सा कमीशन? ट्रेंच कमीशन, क्योंकि इसके लीडर कौन थे? इसके लीडर थे मिस्टर ट्रेंच, इनके लीडर थे। और तो ट्रेंच कमीशन ने क्या बोला कि यहाँ पर जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगाए जा रहे हैं, किसानों को टैक्स पे करने पड़ेंगे, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। तो फिर किसानों ने क्या किया, इस ट्रेंच कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ ये क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं और एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, और वो जगह कौन सी थी? गोविंदपुरा, गोविंदपुरा भीलवाड़ा में। यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए, किसान इकट्ठे हुए तो पता चला ट्रेंच को, तो ट्रेंच वहाँ पर आर्मी को लेकर या अपनी सेना को लेकर वहाँ पहुँच गया और किसानों को घेर लिया, और किसानों से बोला कि भैया यहाँ से बिखर जाओ, चले जाओ, हट जाओ, छोड़ दो, जगह खाली कर दो, वरना तुम्हें बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा, और जो हमने जो रिपोर्ट दी है उसको मानो। मगर किसानों ने मना कर दिया कि नहीं, हम ये जगह खाली नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारी रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये घटना ध्यान रखना कब की है, ये घटना है 13 जुलाई 1923 को। तो ट्रेंच ने पुलिस को ऑर्डर दिया कि किसानों पर क्या करो, फायरिंग करो। तो ट्रेंच ने जैसे ही ऑर्डर दिया तो पुलिस वालों ने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर 2 किसान रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, और लगभग 500 किसानों को क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है। ये घटना कहां पर हुई थी? गोविंदपुरा भीलवाड़ा में, ठीक है। इसको गोविंदपुरा मसाकर के नाम से भी जाना जाता है। और दो कौन कौन शहीद हुए? रूपाजी और कृपाजी धाकड़ क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। बाद में विजय सिंह पथिक खुद आंदोलन की कमांड अपने हाथ में लेते हैं, मगर मेवाड़ गवर्नमेंट इनको पकड़ लेती है और 10 सितंबर 1923 को इनको जेल में डाल देगी 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। जब ये जेल में चले जाते हैं तो कोई नहीं था, तो फिर बाद में आते हैं माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा इस मूवमेंट के मतलब बागडोर अपने हाथ में लेते हैं, और बाद में फाइनली 1925 तक किसानों की सारी जो डिमांड थी उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और 1925 में मूवमेंट क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। ये था हमारा बेंगू किसान आंदोलन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।